चलिए, तो थ्योरम नंबर हम देखेंगे 10.3। ये भी क्लास 9th से ही लिया गया है और इस थ्योरम में बोला ये जा रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, कि सर्कल के सेंटर से हम एक परपेंडिकुलर लाइन कहाँ डालेंगे, एक सर्कल के कोड यानी कि जीवा पे डालेंगे। ये सर्कल का सेंटर है, इस पे हम एक लंब डालते हैं, परपेंडिकुलर को लंब बोला जाता है हिंदी में। तो वह इसे दो इक्वल पार्ट में बांट देता है। हमें ये बात प्रूव करके दिखलाना है, हमें ये बात प्रूव करना है। तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ही इजी है। और यहाँ भी हम लोग फिर से वही रूल रेगुलेशन यूज करेंगे। जैसे ये अपना सेंटर ओ है और ये ए बी कोड है, और हमें ये बात प्रूव करना है कि ये जो है इसके इक्वल है। इसका नाम कुछ दे दीजिए, एक्स मान लीजिए, तो हमें प्रूव करना है एक्स इज इक्वल टू एक्स बी के। ये बात हमें प्रूव करना है। तो जो गिवेन है वो लिख लेते हैं हम लोग। तो गिवेन में लिखते हैं हम लोग क्या चीज, कि सी इज ए सर्कल विथ सेंटर एट ओ, ए बी इज ए कोड, ए बी इज ए कोड सच दैट, इस प्रकार की ओ एक्स परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। ठीक है, टू प्रूव, जो हमें सिद्ध करना है वह ये बात है सिद्ध करना कि ए एक्स का जो लेंथ है वह एक्स बी के इक्वल है या बी एक्स के इक्वल है। ये बात हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रमाण के तौर पे, प्रूफ के तौर पे हम लोग कुछ करेंगे। तो प्रूफ से पहले हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करना होगा, ओ को ए से और ओ को बी से ज्वाइन कराना होगा। ये बात हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में यह बात लिखेंगे क्या चीज, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ओ ए और ओ बी को मिलाया। प्रूफ में चलेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल ए ओ एक्स एंड ट्रायंगल बी ओ एक्स। ये भी दोनों ट्रायंगल में देखेंगे कि ओ ए जो है वह इक्वल होगा ओ बी के। क्यों इक्वल होगा, रेडियस है दोनों। ठीक है, तो बोल देंगे क्या चीज, बोथ रेडियस, दोनों ही क्या है, सर्कल का रेडियस है। जबकि बोलेंगे ओ एक्स इज इक्वल टू ओ एक्स, यह बात क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। और ये भी बात हम जान रहे थे, इस पे परपेंडिकुलर डाला गया, मतलब ये 90 का एंगल बनाएगा। तो बोल सकते हैं एंगल ए एक्स ओ इज इक्वल टू एंगल बी एक्स ओ, और इच एंगल जो है, इच एंगल जो है वो है 90 डिग्री का। ठीक है, ये गिवेन था, परपेंडिकुलर है। तो अब देखिएगा 90 डिग्री के जस्ट सामने का हाइपोटेनस और कोई एक साइड, ये साइड है इक्वल है, कोई भी एक साइड इक्वल आ जाता है तो आरएचएस रूल लग जाता है। तो बोलेंगे आरएचएस रूल जो होता है, उस रूल के अकॉर्डिंग, आरएचएस रूल से ट्रायंगल जो अपना होगा ओ ए एक्स कॉन्ग्रिएंट ट्रायंगल होगा ओ बी एक्स के। तो क्या बोलेंगे, बाई सी पी सी टी कॉन्ग्रिएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रिएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो हम बोल पाएंगे ट्रायंगल जो होगा अपना, जब सॉरी जब ट्रायंगल कॉन्ग्रिएंट होगा तो बाई सी पी सी टी बोलेंगे कि ए एक्स बी किसके इक्वल होगा, एक्स बी के
इक्वल होगा, तो यह बात भी यहां से हो जाता है प्रूव्ड। ठीक है,